ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि होली के अवसर पर हनुमान जी को खुश कैसे करें, उनको प्रसन्न कैसे करें। होली का त्यौहार फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कई सिद्ध साधक इस दिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्राचीन प्रमाणिक विधि से पूजन पाठ करते हैं। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश हुआ था, अतएव होली वाले दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले उपाय अवश्य काम करते हैं। होली की पूर्णिमा पर हनुमान जी को तांत्रिक विधि से चोला चढ़ाने से हर बिगड़ा काम बन जाता है और साधक पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। होली पर पवन पुत्र हनुमान जी विशेष वरदान की मुद्रा में होते हैं, तो उनके लिए किया गया हर छोटा का उपाय सफल और कामना पूर्ण करने वाला होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है होली वाले दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन, मतलब कल। सच्चे मन से प्रभु श्री राम का ध्यान करके तन मन स्वच्छ कर शुद्ध हो जाए और साफ वस्त्र धारण करें। यदि लाल रंग की धोती पहने तो और भी अच्छा है। ध्यान रहे कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाते समय चमेली के तेल का एक दीपक हनुमान जी के सामने चला कर रखें। श्रद्धा अनुसार पूजन करें और चोला चढ़ाते समय प्रभु राम और श्री हनुमान जी का स्मरण करके जाप करें। चोला चढ़ाने के पश्चात हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें और एक साबुत पान का पत्ता लें और उस पर थोड़ा सा गुड़ और चना रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठ कर तुलसी की माला से नीचे लिखे मंत्र, जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, उस मंत्र का जाप करें। कम से कम 5 माला आपको जाप करना है। मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नामम वरानने। ये मंत्र का आपको जाप करना है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।